इस वक्त वर्मा जी हैं इंदौर से। हकीम साहब, उनका सवाल है, आइए जान लेते हैं। जी वर्मा जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आदाब। मेरा सवाल ये था सर, ये जो आपने गोंद सिया के बारे में जो बताए थे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मेरे साथ साथ में और लोग भी जानना चाहते हैं कि जो मेहनत कम करें या वेस्टर्न टारगेट का यूज करें, तो मतलब जो आप देते हैं 4-5 महीने का टारगेट के इसका असर होगा, अगर अदरवाइज ये नहीं यूज करते हैं तो कितने दिन में असर होगा उसका। ठीक है। हाँ शर्मा साहब, देखिए असर तो ये 5 से 10 दिन में करना शुरू कर देता है, लेकिन क्योंकि अगर आप ऐसे मर्ज के लिए ये दवा ले रहे हैं जो आपके घुटनों और कमर से ताल्लुक़ रखता है, तो वेस्टर्न टॉयलेट होना इसलिए ज़रूरी है कि घुटनों में दर्द है तो घुटनों पर लोड पड़ता है जब हम बैठते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट के अलावा जो हम इस्तेमाल करते हैं, और या कमर की डिस्क जब हमारी इम्प्रेस होती है तो हम जो उकड़ू वाली लैट्रिन में बैठते हैं ना, ज़मीन वाली, तो वहाँ पर असर पड़ता है, और जो दवा रिपेयर करती है आपकी वो रिपेयर ख़त्म हो जाती है। तो एहतियातन ये है, वरना ये उनको भी असर करती है जिनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है। लेकिन ये बता देना ज़रूरी है, जैसे आपको नज़ला होता है तो जैसे डॉक्टर आपको दवा तो देता है लेकिन ये कहता है ठंडा पानी ना पिए, तो इसी तरह ये बताना ज़रूरी है कि वेस्टर्न टॉयलेट अगर हो तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, नहीं होगा तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका ठीक होना फिर भी ज़रूरी है।